और खबर लखनऊ से है, हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। थोड़ी ही देर में सीएम योगी हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे। देश भर के क्राफ्ट कलाकार हुनर हाट में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 21 जनवरी तक 10 दिवसीय क्राफ्ट और क्यूजिंस का प्रदर्शन होगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता रहे कि हुनर हाट का आज से शुरुआत हो रहा है, आगाज हो रहा है। ऐसे में देश भर के क्राफ्ट कलाकार हुनर हाट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। यहां पर तमाम व्यंजन होंगे, तमाम यहां पर जो कपड़े हैं उनकी तमाम तरह की किस्म होगी। इसके अलावा क्राफ्ट से जुड़े तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर होंगे, ऐसी कलाएं यहाँ पर होंगी जिनको हुनर हाट में जगह दी जाएगी। फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस हुनर हाट में पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का आगाज करेंगे। देश भर के क्राफ्ट कलाकार हुनर हाट में पहुंचे हैं और लखनऊ के अंदर हुनर हाट का आयोजन किया गया है। देश भर के क्राफ्ट के कलाकार यहां पर मौजूद हैं। साफ तौर पर बड़े अक्षरों पर गेट पर ही लिखा गया, हुनर हाट में आप सभी का स्वागत है। यानी कि यहां पर सभी का स्वागत किया गया, जिससे कि देश के क्राफ्ट का, देश की कलाओं का सम्मान यहाँ पर हो सके। और देश के इन कलाओं के बारे में ये तमाम वो लोग हैं जिनकी जानकारी लोगों को मिल सके। फिलहाल देश भर के क्राफ्ट कलाकार हुनर हाट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी इस हुनर हाट में मौजूद रहेंगे। आपको बता रहे कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो सीएए के पक्ष में बीजेपी का जन जागरण अभियान आज से शुरू होगा और आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीएम योगी आदित्यनाथ सभा करेंगे। 14 जनवरी को बिहार के गया में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सभा करने। इसके अलावा 18 जनवरी को वाराणसी में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। 19 जनवरी को गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के। तमाम जगहों पर जाकर वो जन जागरण रैली को संबोधित करेंगे, जिससे कि लोगों को सीएए के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। फिलहाल आपको बता रहे कि 19 जनवरी गोरखपुर का समय है जब वह पहुंचेंगे। फिलहाल आज मध्य प्रदेश पहुंचना है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज रैली रहेगी सीएम योगी आदित्यनाथ की और जनसभा करते नजर आएंगे, जहां पर लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरह से सीएए के बिल देश के हित में है। और जो एक सबसे बड़ा भ्रम और अफवाह फैलाई गई कि ये देश के लोगों से सबूत मांगेगा, तो वो उस बात का खंडन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहेंगे कि ये किसी से सबूत नहीं मांगेगा, ना ही किसी की नागरिकता छीनेगा, बल्कि ये उन शरणार्थियों को नागरिकता देगा जो यहां पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। फिलहाल आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ सभा करेंगे। तो 14 जनवरी को बिहार के गया में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा होगी, 18 जनवरी को वाराणसी और 19 जनवरी को गोरखपुर। खबर लखनऊ से, एसटीएफ और इनामी बदमाश में मुठभेड़ के दौरान में पकड़ा गया इनामी बदमाश शमीम हसन। बदमाश से पिस्टल, कारतूस, स्कूटी, मोबाइल फोन बरामद। आरोपी बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो बदमाश से पिस्टल, कारतूस, स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। आपको बता रहे कि इनामी यह बदमाश है और काफी समय से इसकी तलाश चल रही थी। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है। एसटीएफ लगातार इसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा कर रही थी और जैसे ही इसका इनपुट मिला, इसके बाद एसटीएफ ने घेराबंदी की और तुरंत ही इसको वहीं पर पकड़ लिया। आपको बता रहे जवानों ने, एसटीएफ के जवानों ने इसके तमाम मंसूबों को फिलहाल नेस्तनाबूद किया है। और आपको बता रहे कि सरोजनी नगर के अंदर से इसको गिरफ्तार किया गया। इनामी बदमाश है, कई बार ये पुलिस को चकमा दे चुका है। फिलहाल एसटीएफ इस पूरे मामले की तलाश करते हुए इस तक पहुंची है और मुठभेड़ के दौरान ये इनामी बदमाश पकड़ा गया। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश एसटीएफ के हवाले। फिलहाल तो वहीं आगरा में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ चलाया गया अभियान। पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के काटे का चालान। नगरपालिका की टीम ने दुकानदारों को हिदायत दी है, अगली बार ऐसी गलती ना दोहराएं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एके सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। नगरपालिका की कार्रवाई से एतमादपुर के मेन बाजार में हड़कंप मचा है। फिलहाल पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। नगरपालिका की टीम ने दुकानदारों को हिदायत दी है और अगली बार ऐसी गलती ना दोहराएं, ये भी कहा। फिलहाल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एके सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। आगरा का मामला है, आगरा में अंदर नगरपालिका की कार्रवाई से एतमादपुर के मेन बाजार में हड़कंप मचा है। फिलहाल नगरपालिका की टीम ने दुकानदारों के चालान काटे हैं, अगली बार ऐसी गलती ना दोहराएं, ये भी चेतावनी दी है। तो पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। फिलहाल पॉलिथीन इस्तेमाल करने से
साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल होगा तो फिर साफ तौर पर चालान काटे जाएंगे। फिलहाल कई दुकानदारों के चालान काटे गए एतमादपुर के अंदर। बिल्कुल, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी AK सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है और नगर पालिका की टीम ने दुकानदारों के चालान काटे। नगर पालिका की कार्रवाई से एतमादपुर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ यह अभियान है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पिकअप गाड़ी से गैस सिलेंडर उतारते समय विस्फोट हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इकोटेक वन एक्सटेंशन की घटना है। निर्माणाधीन फैक्ट्री में पिकअप से उतारा जा रहा था गैस सिलेंडर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इकोटेक वन एक्सटेंशन की यह घटना है, जहां पर सिलेंडर उतारते वक्त यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन फैक्ट्री में पिकअप से उतारा जा रहा था गैस सिलेंडर, जिस दौरान में ब्लास्ट हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप से गैस सिलेंडर उतारते वक्त विस्फोट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में घायल हुए सभी 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं आगरा के एतमादपुर के अंदर मुख्य बाजार में GST के असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र रत्नाकर के नेतृत्व में कैंप लगाया गया, जिसमें एतमादपुर के आसपास के व्यापारियों को GST देने के बाद होने वाले फायदे के बारे में समझाया गया। इस दौरान निशुल्क GST पंजीकरण भी किए गए। GST के पंजीकरण को लेकर व्यापारियों में भी उत्सुकता नजर आई। GST के पंजीकरण कैंप का संचालन कर रहे असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र रत्नाकर ने बताया कि वो अब तक कैंप के द्वारा 35 लोगों का पंजीकरण कर चुके हैं और लोगों को सही तौर पर, क्योंकि एक जो भ्रम आज तक GST को लेकर फैला हुआ है, उन सभी को दूर किया गया। GST कोई जटिल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आसान सी प्रक्रिया है, यह भी समझाया गया। साफ तौर पर यह बताया गया कि GST कराने से आपको कई तरीके के फायदे होते हैं, इसलिए GST में पंजीकरण कराना चाहिए। ये आगरा के एतमादपुर के अंदर कैंप लगाया गया था। यूपी के टॉप 10 पुलिस अधिकारियों की रैंक में शामिल SSP इटावा संतोष कुमार मिश्रा, विदाई समारोह में कई अधिकारियों की आंखें उनके नम हो गईं। पुलिस लाइन में आयोजित विदाई समारोह में कई पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें भरे मन से विदाई दी। SSP संतोष कुमार मिश्रा का इटावा में पिछले लगभग 11 महीने का कार्यकाल बेहतरीन और प्रभावशाली रहा, जिसमें वो अपनी फिटनेस के साथ कई किलोमीटर पैदल मार्च करने, कई मुठभेड़, कई खुलासे, गरीब जनता के बीच अच्छे व्यवहार को लेकर चर्चा में हमेशा बने रहे। और आपको वो तस्वीर भी याद होगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, जिस वक्त हिंसा हो रही थी और हिंसा के दौरान इटावा सबसे पहला वो जिला था जहां पर SSP खुद संतोष मिश्रा निकले थे और उन्होंने लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाया था कि CAA किस तरीके से लोगों को फायदा देता है और साथ ही साथ ये भी बताया कि CAA किसी की नागरिकता नहीं छीनता। वो तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी और उस दौरान संतोष मिश्रा काफी चर्चा में रहे थे। फिलहाल इटावा से विदाई के दौरान की ये तस्वीरें और काफी भारी मन से इन्हें विदा किया गया। और रुक रहे फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी टॉप एजेंडा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।